तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तुम प्लस टू भाई भाई केमती अच्छा पिले? तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले, तुम जो सिलेक्शन क्वेश्चन देखी तो तार सल्यूशन वीडियो समस्त वन बाय वन प्रोवाइड करा। तो मुझे समस्त कौन पिले जो तुम सब टॉपिक जहाँ जी सब कौन पूरा टॉपिक मैथमेटिक्स टॉपिक जी सिलेक्शन दे तार सल्यूशन चाहूँ फटाफट ग्रुप जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा कि तुम सब वीडियो देखिपार बुझिपाल पे पूरा डिटेल्स सबूत जिनसर मुझे सिलेक्शन प्रोवाइड करुच्ची सब सिलेक्शन देख ताको कॉपी रे नोट डाउन कर आउ धड़ाधड़ तार आंसर सॉल्व कर देखियो पिला 100% तुम 90 प्लस आराम से स्कोर कर पारा जहाँ क्वेश्चन दूसरे ताको रगड़ी जाओ पूरा बुझिपाल आउ किसी देखार ना सब क्वेश्चन को बिट बाय बिट कंप्लीट कर जाओ है। तो आज देखा पे तुम एक्सरसाइज 9C रहा सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़ाक सल्व कर बुझिपाल पे। तो चलो स्टूडेंट, तो देखो पिले जो पिला कंप्लीट वीडियो देखा चाहो फटाफट ग्रुप जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा कि तुम कंप्लीट वीडियो देखिपार है। तो यही नंबर में कंटाक्ट कर 9040607886 ओनली के 255 रुपीज रे तुम कंप्लीट सल्यूशन दिखाई कौन पिले पिले कंप्लीट सल्यूशन मैथमेटिक्स ईच टॉपिक सल्यूशन क्वेश्चन दिखाई तो सल्यूशन प्रोवाइड करा बुझिपाल पे और तुमको किसी असुविधा हे ना किसी देखार ना जी क्वेश्चन दूसरे से सल्यूशन करके जाओ बुझिपाल पे। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा। तो देख पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन देला तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन पे देख इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x कॉस 5x इंटु कॉस 2x dx है। तो देख पे ये टाइप 9C क्वेश्चन करा पूर्व तुमको ये चार्टा फर्मूला माइंड रख बुझिपाल पे साइन सी इंटु साइन डी कॉस सी इंटु कॉस डी साइन सी इंटु कॉस डी कॉस सी इंटु साइन डी ये चार्टा फर्मूला माइंड रख आउ किसी दरकार नहीं चार्टा फर्मूला को माइंड रख है। तो देख ये टाइप क्वेश्चन करा पूर्व तुम फर्स्ट कौन कर क्वेश्चन को आरेंज करके लिख कौन कर आरेंज करके लिख फर्स्ट बड़ तो देख 4x अच्छे 5x अच्छे 2x अच्छे तो फर्स्ट कौन लिख 5x तापर 4x तापर 2x है बड़ रु छोट क्रम लिखिद है। तो लिखिद कॉस 5x कॉस 5x तापर कॉस 4x ये लिखिदेली बाहर लिखिद कॉस 2x लिखिदेली। चलो एबे फर्स्ट टाक सी कनसीडर कर सेकेंड टाक डी कनसीडर कर है। तो कॉस 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 इंटु कॉस डी तो देख पे कॉस इंटु कॉस डी फॉर्मूला लिखाई है हला। तो से फॉर्मूला अप्लाय कर इंटीग्रेशन ऑफ कौन देखे बोले है कॉस कौन दे सी माइनस डी तो 5x माइनस 4x प्लस कॉस सी प्लस डी 5x प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 आउ एटा जमती अच्छे चुपचाप लिखे दियो ठीक अच्छे बोले लिखीदल टू टाक कन्स्टाट बाहर कर दियो तो 1/2 बाहर कर देली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x रु 4x कला तो कॉस एक्स प्लस 5x प्लस 4x तो कॉस 9x इंटू कॉस 2x डीएक्स बुझिपाल पे कौन कली है चल ए कॉस एक्सटा भितर को मल्टीप्लाई कर दियो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 9x इंटू कॉस 2x डीएक्स ठीक अच्छे है। एबे देखो पे तो 1/2 टा कौन अच्छे टोटाल सहित अच्छी आरेंज करके लिखिद पूरा है। तो 1/2 है इंटीग्रेशन ऑफ है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इधर कॉस अच्छे कॉस 2x अच्छे तो कॉस 2x को पाखे लिख फर्स्ट कॉस 2x तापर कॉस एक्स 1/2 या सहित भी रही 1/2 9x 2x तो 9x बड़ अच्छे तो जमती सेमती लिखिद कॉस 9x इंटु कॉस 2x डीएक्स ठीक अच्छे ये आसीगला है। एबे पुणी फर्मूला पकाओ है यटा को सी बोली कनसीडर कर यटा को डी बोली कनसीडर कर है। तो 1/2 रहिला इंटीग्रेशन ऑफ यटा को सी कनसीडर कर यटा को डी कनसीडर कर है। तो कॉस कौन देखे बोले कॉस सी इंटु कॉस डी सी माइनस डी सी प्लस डी है कॉस 2x माइनस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 डीएक्स प्लस 1/2 एठी यटा को सी कनसीडर कर यटा को डी कनसीडर कर तो कॉस 9x माइनस 2x प्लस कॉस 9x प्लस 2x होल रे डीएक्स ठीक अच्छे बोले होल डिवाइडेड बाय 2 ठीक अच्छे है। चलो फटाफट नोट डाउन कर चलो है। तो ईच क्वेश्चन को मुझे सल्व करी बुझिपाल पे तुम गोटे गोटे क्वेश्चन तुम डाउट क्लियर करेंगे है किसी असुविधा हाँ है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर चल आगे माड़ी चल है। तो रहा के तुम है
तो देख पहले ये 1/2 ये मल्टीप्लाई कर दियो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - s cos x प्लस cos 2x + x तो cos 3x dx प्लस 1/4 एठी भी देखो ये 2 आसी 2 से मल्टीप्लाई गला 4 हे गला 9x रो 2x पड़ेला तो cos 7x प्लस 9x प्लस 2x cos 11x बुझ पेलो पले cos 11x dx हला चलो तो 1/4 हला आउथरे लेके दोस्त हम देखाव नथिबो हला इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos 3x ये गोटे पार्ट 1/4 हला तो 1/4 टा पले मु पूरा होल रु कॉमन नै गली हला इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x प्लस cos 11x होल dx हला तो 1/4 टा को बाहर लिखि ठीक अछि चलो बे इंटीग्रेशन करो तो 1/4 रहिला cos x रो इंटीग्रेशन sin x cos 3x रो sin 3x by 3 सिंपल इंटीग्रेशन cos रो इंटीग्रेशन कोन sin cos 3x रो कोन होपिले cos 3x रो sin 3x x रो कोफिशिएंट को डिवाइड कर दियो हला एडी भी x रो कोफिशिएंट किछ नै मतलब 1 बोली लिख परिवो तो सिंपली sin x मध्ये लिख परिवो हला प्लस cos 7x रो sin 7x x रो कोफिशिएंट 7 डिवाइड कर दियो cos 11x sin 11x by 11 हला प्लस c ठीक अछि एबे 1/4 टा भीतर मल्टीप्लाई कर दियो तो 1/4 sin x 1/12 sin 3x प्लस सचो 28 1/28 sin 7x प्लस 11 इनटू 4 तो 1/4 केते 1/44 sin 11x प्लस c बुझ पाला तो ये हला तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हला ये हला तुम्हारा कोन बोले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हला आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथिवो तो फटाफट नोट डाउन करो हला तो 1/1 मु करी करी चलछु तुम देखि देखि चला हला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हे गला नेक्स्ट असो हला चलो प्ले सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन देछि बिट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x by 4 into cos x by 2 dx हला तो देखियो पहिले ए दिटा भीतर फर्स्ट बडटा हम कोन कहिले बडटा को फर्स्ट रखिबो तो 3x by 4 बड ना x by 2 बड तो x को दे तमे छाडी दोछ तो नंबर की अछि 3 by 4 आउट 1 by 2 तो ए दिटा भीतर बड के सेटा देखिबो हला तो 1 by 2 तो तमरो 0.5 1 by 2 केते गेला तमरो 0.5 हला 3 by 4 केते होछ पहिले तमरो 3 by 4 हला 0.3 तो 4 7 28 तो केते हला 0.7 तो ओबियसली ये बडा तो बडा टा को सदाले फर्स्ट रखिबो हला बडा टा को सदाले फर्स्ट रखिबो हला चलो तो बडा टा को फर्स्ट रखु छी तो बडा टा ऑलरेडी फर्स्ट अछि ताको सी बोली कंसीडर करा आकु डी बोली कंसीडर करा तो इंटीग्रेशन ऑफ sin c into cos d देखो sin c into cos d थर्ड फार्मूला टा पडिबो हला तो sin c + d तो 3x / 4 c प्लस d प्लस sin c माइनस d 3x by 4 माइनस x by 2 होल रे dx ठीक अछि तो इंटीग्रेशन ऑफ sin केते होछ पले lcm होछ पले तमरो 4 हला 3x प्लस 2x प्लस sin lcm तमरो पले 4 3x माइनस 2x dx हला तो इंटीग्रेशन ऑफ sin हला केतु छले 3 2 5 5x / 4 हला 5x / 4 इंडिविजुअल कर दियो ये गोटे इंटीग्रेशन sin 3 रो 3 सो 2x पड़ेला तो x / 4 होल रो dx बुझ पाला पले अब यार इंटीग्रेशन करबे हला तो देखो पले बहुत पले माने जानि परन तनी मोदि कहि पले देखो sin 2x तो यार इंटीग्रेशन केते हो माइनस cos 2x x रो कोफिशिएंट केते 2 तो सेडा डिवाइड हिजो x रो कोफिशिएंट केते 2 तो x तो जोडा लागछ सेडा डिवाइड हिजो तो सेम जिंस sin 5x / 4 रो माइनस cos 5x / 4 डिवाइडेड बाय x तो कोन लागछ 5 / 4 तो 5 / 4 टा डिवाइड हिजो सल्ला कथा हला sin x / 4 रो तो sin रो माइनस cos x / 4 डिवाइड केते होबो 1 / 4 हला x रो कोफिशिएंट डिवाइड बाय x रो कोफिशिएंट केते 1 / 4 एडी x रो कोफिशिएंट 5 / 4 तो एटा वोल्टेज लिख दियो तो माइनस 4 / 5 cos 5x / 4
माइनस उल्टी गले फोर कॉस एक्स बाय फोर प्लस सी बुझिपाल तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर बुझिपाल पिले ये तुम्हारा बिट टू फाइनल आंसर है तो फटाफट नोट डाउन कर थर्ड बिट को जीवा है तो ये सब लिभौचे है वीडियो को पॉज करके तुम नोट डाउन कर दो थो है चलो थर्ड बिट सेकंड बिट सरला चलो पिले अबे थर्ड बिट को जीवा है कौट जीवा पिले थर्ड बिट को जीवा थर्ड बिट भी देख तीन टिकिया वाला क्वेश्चन देचे साइन एक्स बाय टू आ रहा तुम साइन एक्स बाय थ्री आउ साइन एक्स बाय फोर डीएक्स एटा दे क्वेश्चन है तो क्लीयरली देखा एक्स बाय टू कौन कह बै टू वन बै थ्री वन बै फोर मुझे कह एक्स कोफिशिएंट तो वन बै टू सब बड़ वन बै थ्री जार तलटा बड़ था से कौन हो जाए छोट हो जाए है यहाँ बड़ सब तो फास्ट आम ए फर्मूला पकेबा है कहीं करा मुझे कहते जहाँ भी क्वेश्चन कर फास्ट बड़ रू छोट क्रम सजाई दब है तेनाली एक्स बै टू एक्स बै थ्री एक्स बै फोर तो ओब्वियसली तुम जब एक्स को छाड़ दे कोफिशिएंट के वन बै टू वन बै थ्री वन बै फोर तो वन बै टू वन बै थ्री एट बड़ तापर यहाँ यहाँ तो फास्ट तुम बड़ दुटा को लिख ल छोटा को लास्ट लिखे है तो यहाँ को सी बोली कनसीडर कर यहाँ को डी बोली कनसीडर कर तो साइन सी इंटू साइन डी फर्स्ट फर्मूलाटा पड़ा है तो देख तो इंटीग्रेशन अफ एट लिख दूसरी इंटीग्रेशन अफ साइन सॉरी साइन सी साइन डी फॉर्मूला कौन कॉस रे हला कॉस सी माइनस डी तो एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय थ्री माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय थ्री लिखिदल एति रहिला इनटू हला तले जगह होनी साइड रे मु लिख दीची साइन एक्स बाय फोर होल डी एक्स बुझिपाल बोले ठीक अच्छे बाय टू तो बाय टू टाक साइड रे वन बाय टू लिखुच है एक कथ चलो तो वन बै टू को वन बै टू थाउ इंटीग्रेशन अफ के पे कस ये एलसीएम के पे तुम छाला तो छाला ये डिवाइड कले थ्री थ्री एक्स माइनस टू एक्स है माइनस है कस एलसीएम के छाला तो थ्री एक्स प्लस टू एक्स ठीक अच्छे इंटू साइन एक्स बै फोर होल रे डी एक्स ठीक अच्छे किसी असुविधा ना चलो वन बै टू थाउ है इंटीग्रेशन अफ है तो कॉस के थ्री माइनस टू तो एक्स बै सिक्स एटा इंटू कर दियो इंटू साइन एक्स बै फोर माइनस है कॉस फाइव एक्स बै सिक्स इंटू साइन एक्स बै फोर है इंडिविजुअल करदे भी चलो है डीएक्स लिख माइनस इंटीग्रेशन अफ एटाक डीएक्स लिख ठीक अच्छे बुझिपाल पे चलो एवं एक्स बै सिक्स एक्स बै फोर तो बड़ किए एक्स बै सिक्सटा बड़ तो ताको फास्ट लिख वन बै टू तो लिखिली साइन एक्स बै फोर इंटू कस एक्स बै सिक्स इंटु डीएक्स लिखिदेली पे यहाँ हो गला है माइनस माइनस देखो फाइव एक्स बै तो कह पे फाइव बै सिक्स बड़ ना वन बै फोर बड़ वन बै फोर गोटे जीरो पॉइंट टू फाइव के पचीस पैसा जीरो पॉइंट टू फाइव है फाइव बै सिक्स के फाइव बै सिक्स तो फाइव बै सिक्स तो पॉइंट एटी सिक्स पकाओ छः पंचायत छःटा अड़चाश छःटा है छःटा के अड़चाश तो जीरो पॉइंट एट तो ओब्वियसली यहाँ बड़ फाइव बै सिक्सटा बड़ है तो जीरो पॉइंट एट बड़ हूँ है चलो तो यहाँ अलरेडी बड़ अच्छी तो ताको फास्ट लिख चेक कर कौटा बड़ अच्छे है तो ये तो बड़ अच्छी कॉस फाइव एक्स बै सिक्स इंटू साइन एक्स बै फोर डीएक्स ठीक अच्छे तो ये फर्मूला पकाओ एटा को सी बोली भाव एटा को डी बोली भाव एटा को सी एटा को डी तो कार फर्मूला पड़ो साइन सी इंटू कॉस डी साइन कॉस एटा कॉस साइन रा फर्मूला पड़ो ठीक अच्छे तो वन बै टू थाउ कमन रे हला इंटीग्रेशन अफ साइन कॉस तो साइन कॉस रा फर्मूला कौटा साइन कॉस ए थर्ड टा पड़ो है तो कौन लिखा पे साइन है सी प्लस डी है एक्स बै फोर प्लस सी प्लस डी प्लस थर्ड फर्मूलाटा पकोचे देखीद सैन कस अच्छे ये सैन अच्छे कस अच्छे ना है तो सैन कौन कह सी प्लस डी प्लस सैन सी माइनस डी एक्स बै फोर माइनस एक्स बै सिक्स होल रे डीएक्स है माइनस इंटीग्रेशन अफ है कौन अच्छे बै टू थी तो लिखिद बै टू है चलो ये कस सैन कॉस साइन थर्ड फोर्थ फॉर्मूला टा है तो लिभ दूचे गुटा
तो साइन सी प्लस डी तो यहाँ सी एटा डी है तो फाइव एक्स बै सिक्स प्लस एक्स बै फोर माइनस साइन है फाइव एक्स बै सिक्स माइनस एक्स बै फोर होल डीएक्स बै टू के रहा बै टू ठीक अच्छे किसी असुविधा ना चलो आगू चलो तो यह सब टे लिभे तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझे होगा सिंपल लॉजिक अच्छे कि ना तुम आराम से कंप्लीट कर पार है सब टॉपिक को कंप्लीट करो मुझे जहाँ जहाँ दौर है फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँ द्वारा कि सब जिन तुम देखिपर है तो ये सब कुछ लिभे दिता कौन हो देखा है तो देख से भी वन बै टू अच्छे ये भी वन बै टू अच्छे तो वन बै टू इंटू वन बै टू तो वन बै फोर तो कमन रे के वन बै फोर रहा इंटीग्रेशन ऑफ है तो देख पे यहाँ हूँ साइन है साइन एलसीएम के पे छः आ चार एलसीएम चार आ छः एलसीएम तो दुई दुणे दुई तीन है तो तीन जुड़े छः जुड़े बार तो कैसे हूँ ट्वेल्व है ट्वेल्व को है ट्वेल्व को चार डिवाइड कले तीन तो थ्री एक्स प्लस डिवाइड कले तो टू एक्स प्लस साइन है कैसे हूँ तुम थ्री एक्स माइनस टू एक्स थ्री एक्स माइनस टू एक्स बै ट्वेल्व एटा गोटे पार्ट आसला है माइनस के पे माइनस के पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ है छः चार एलसीएम के पे तुम सही ट्वेल्व तो साइन ट्वेल्व है तो ट्वेल्व को ये सिक्स डिवाइड कले ट्वेल्व को सिक्स डिवाइड कले के टू तो टेन एक्स प्लस ट्वेल्व को फोर डिवाइड कले थ्री तो कैसे हूँ पे थ्री एक्स माइनस साइन टेन एक्स माइनस थ्री एक्स बै ट्वेल्व होल डीएक्स है चलो तो वन बै फोर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के थ्री प्लस टू फाइव एक्स बै ट्वेल्व प्लस साइन एक्स बै ट्वेल्व साइन एक्स बै ट्वेल्व एटा डीएक्स इंडिविजुअल कर दूचे माइनस साइन दस प्लस तीन थर्टीन एक्स बै ट्वेल्व माइनस साइन है सेवेन एक्स बै ट्वेल्व होल डीएक्स बुझिपाल पे चलो तेज फाइनल इंटीग्रेशन करवा वन बै फोर थाउ ता कथा पर बुझा है तो साइन फाइव एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स बै ट्वेल्व होल डिवाइडेड बै एक्स कोफिशिएंट के फाइव बै ट्वेल्व साइन रो माइनस कॉस एक्स बै ट्वेल्व होल डिवाइडेड बै वन बै ट्वेल्व है साइन रो के पे तुम माइनस तो माइनस माइनस ये कौन अच्छे होल माइनस थी है तो ये माइनस कौन हो पे जो इंटीग्रेशन करवा आम है तो साइन रो इंटीग्रेशन के पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस है तो ये भी साइन रो इंटीग्रेशन माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो दुटा प्लस आसो है प्लस कॉस थर्टीन एक्स बै ट्वेल्व बै थर्टीन बै ट्वेल्व है ये भी माइनस माइनस प्लस कॉस सेवेन एक्स बै ट्वेल्व होल डिवाइड बै सेवेन बै ट्वेल्व प्लस सी है ये आसला एवं तक सिंप्लीफाई करवा पहले सिंप्लीफाई करवा तो वन बै फोर इंटीग्रेशन एटा उल्टई दियो तो माइनस ट्वेल्व बै फाइव कॉस फाइव एक्स बै ट्वेल्व एटा उल्टई गले माइनस ट्वेल्व कॉस एक्स बै ट्वेल्व प्लस बार बै तेर कॉस थर्टीन एक्स बै ट्वेल्व प्लस बार बै सात है कॉस सेवेन एक्स बै ट्वेल्व प्लस सी ठीक अच्छे है वन बै फोरटा एट मल्टीप्लाय कर तो के फोर ट्वेल्व कटिजी तो माइनस तीन बै पांच कस फाइव एक्स बै ट्वेल्व माइनस चार काटले तीन होन कस एक्स बै ट्वेल्व प्लस चार काट चार बार तो थ्री बै थर्टीन कस थर्टीन एक्स बै ट्वेल्व प्लस चार ट्वेल्व को काट तो तीन बै सात कॉस सेवेन एक्स बै ट्वेल्व प्लस सी है तो ये तुम फाइनल आंसर है।
तो ये कौन है पे तुम्हारा फाइनल आंसर है तो फटाफट नोट डाउन करो पिले। तो नेक्स्ट देखो पिले क्वेश्चन नंबर फोर है। तो क्वेश्चन नंबर फोर कौन दीजिए पिले तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर सिक्स एक्स डी एक्स है ताको आम कमी कर देख पे इंटीग्रेशन मुझे कौन कर देख साइन क्यू एक्स होल स्क्वायर डी एक्स कौन कहली साइन क्यू एक्स होल स्क्वायर डी एक्स है ये आम साइन क्यू एक्स फॉर्मूला यूज करवा है साइन क्यू थीटा रो है फॉर्मूला के बोले थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा बाय फोर मन रखी थे है थ्री साइन थीटा बोले थ्री साइन थीटा है थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा रो फोर है चलो अप्लाई करवा तो थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाय फोर टोटाल रो आम होल स्क्वायर नहीं जावा टोटाल रो आम होल स्क्वायर नहीं जावा ठीक अच्छे चलो ए तले चार स्क्वायर सिक्सटीन तो वन बै सिक्सटीन मुझे बाहर करदेली के थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स तार होल स्क्वायर डी एक्स ठीक अच्छे तो वन बै सिक्सटीन थाउ ये माइनस बी होल स्क्वायर फर्मूला तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए के थ्री साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स है डीएक्स बुझा पे कौन कल खोलीदेली है कौन कर इंडिविजुअल कर दियो तो वन बै सिक्सटीन इंटीग्रेशन अफ के नाइन है नाइन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस यहाँ के साइन स्क्वायर थ्री एक्स डीएक्स माइनस सिक्स तीन गुण छा बड़ा फास्ट लिख साइन थ्री एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स ठीक अच्छे ये रहा देख साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन हो पार डायरेक्ट हो पारे ब्रेक कराया पड़ो साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन हो पारे भांगा पड़ो ये कौन कराया पड़ो साइन सी इंटू साइन डी फॉर्मूला है ये सी एटा डी बोली भाव बड़ा फास्ट लिखे छोटा सेकेंड लिखे तो साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला कौन पे साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू के वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू तो से हिसाब से भांगा है वन बै सिक्सटीन थाउ नाइन बाहर रहा साइन स्क्वायर एक्स कौन होने पे तुम वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू तो बाय टू को मुझे बाय टू ये लिखुची इंटू डी एक्स प्लस चलो ये साइन थ्री एक्स कौन कर देख थ्री एक्स साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू मतलब कौन हो डबल हो तो ये हिसाब से कौन हम वन माइनस कॉस के थ्री एक्स अच्छी तो सिक्स एक्स बाय टू तो बाय टू टाक बाहर लिखुची होल रे डी एक्स बुझा बोले सिंपल कथ साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होती वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू तो साइन स्क्वायर थ्री एक्स रेत हे एक्स रू एक्स है थ्री एक्स रिक्स एक्स हम है चलो माइनस सिक्स था इंटीग्रेशन तो साइन सी इंटू साइन डी फॉर्मूला खोज ये साइन सी इंटू साइन डी कौन हम पे कॉस सी माइनस डी थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू तो बाय टू टाक तले लिखि दूसरी होल रे डी एक्स बुझ पाल ये रहा तुम फर्मूला है बस आपको आम वन बै वन इंटीग्रेट करवा है चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो मुझे लिभे दे सब ये क्वेश्चन सरला चलो तो वन बै सिक्सटीन थाउ है यहाँ नाइन बै टू नाइन बै टू चलो इंटीग्रेशन के हम कह वन इंटीग्रेशन एक्स वन इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस टू एक्स साइन टू एक्स बै टू साइन टू एक्स बै टू ठीक अच्छे ब्राकेट क्लोज प्लस वन बै टू थाउ वन इंटीग्रेशन एक्स वन इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस सिक्स एक्स साइन सिक्स एक्स बाय सिक्स ब्राकेट क्लोज एटा काटले तीन तो माइनस थ्री इंटीग्रेशन है कॉस थ्री एक्स माइनस टू एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स तो यहाँ के बुझे कॉस टू एक्स एटा के कॉस फोर एक्स है तो कॉस टू एक्स इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाय टू टू एक्स बाय टू माइनस कॉस फोर एक्स साइन फोर एक्स बाय फोर है प्लस सी सरला है इंटीग्रेशन सरला खाली सिंप्लीफिकेशन करवा
तो 1 बाय 16 बाहर था 9x बाय 2 माइनस हला 9 बाय 4 साइन 2x ठीक अच्छे प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 12 साइन 6x माइनस 3 बाय 2 साइन 2x माइनस माइनस प्लस 3 बाय 4 साइन 4x प्लस सी ठीक अच्छे बोले एबे कौन करो 16 को मल्टीप्लाई कर दो 16 को मल्टीप्लाई कर देले हला 9x बाय 16 जने 32 माइनस 9 बाय 16 चो 64 64 साइन 2x प्लस 16 जने 32 1 बाय 32x माइनस 1 बाय 12 16 इनटू 12 तो 6 जने 12 192 साइन 6x माइनस एडे 6 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई करले 6 बाय 32 साइन 2x प्लस 3 बाय हला 16 इनटू 4 तो 64 64 साइन 4x प्लस सी हला तो ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर हला आई होप स्टूडेंट आराम से बुझी पारथिबो हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो वीडियो को पॉज करी नोट डाउन कर दियो तो देखिए बोले तो 1 बाय 1 सब क्वेश्चन करू छी तो फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ मैं समस्त को फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहां द्वारा कि सब जिन सब तुम्हें डिटेल्स रे बुझी पाइबो हला तो ई नंबर रे कांटेक्ट करो 9040607886 हला तो ओनली केते पिलेन होछे 255 ओनली 255 हला एथरे तुम्हारा सब कोर्स इंक्लूडेड हो जइबो मैथ रे सब सिलेबस मु कंप्लीट कर दिया हो बुझ पाला पिले आउ तुम पई 13 दिन रो गैप भी अछि एग्जाम रे तो सेई पूरा अप टू एग्जाम जाय तुम्हारे सब किछ तुम सब अप टू एग्जाम जाय मु तुम हते रहिबी किछ असुविधा नै जो जो क्वेश्चन दो करि चला देखियो बढ़िया मार्क रहिबो बुझ पाला चलो cos 7x को आसो हला कौन देछि cos 7x dx हला कौन देछि cos 7x dx ताको केमथि करिवो सिंपल गोटे बाहर कर दियो cos 6x इनटू cos x dx तो सातरा थिला गोटे बाहर कर देली हला तो याको देखो पले कोन लेखो हला तमे याको करो गोटे काम करो cos square x रो हला q into cos x dx कौन कहली cos x को cos square x रो q into dx हला एबे cos square x को लेखो 1 minus sin square x रो होल q into cos x dx हला तो cos square x को कौन लिखली 1 minus sin square x हला तो ट्रिक केमती जानथे होला केमती सॉल्व करबो बुझ पालो पिले 1 by 1 जते बार बार तुम क्वेश्चन करबो रिपीटेडली क्वेश्चन करबो तुम ट्रिक सब देखा जइबो हला एति हे गला चलो एबे लेट sin x is equal to alpha हला sin x डेरिवेटिव cos x dx is equal to d alpha बुझ पालो sin x जगह सब्स्टिट्यूट नै जाओ हला तो 1 minus sin x जगह अल्फा तो अल्फा रो स्क्वायर होल रो q आउ cos x dx जगह लिख दियो d अल्फा बुझ पाला बस एबे आको एक्सपेंड कर दियो तो a minus b रो होल q फार्मूला हला तो a minus b रो होल q फार्मूला कोन पले तमरो a q minus b q minus 3 a स्क्वायर b plus 3 a b स्क्वायर हला तो ई फार्मूला यूज करिवा तो देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ a q तो 1 रो q minus b q तो अल्फा स्क्वायर रो q माइनस 3 a स्क्वायर b 1 रो स्क्वायर इनटू b प्लस 3 a b स्क्वायर स्क्वायर रो स्क्वायर एति कि केते d अल्फा तमे d z नै पारेओ किछि नै पारेओ किछि असुविधा नै हला तो 1 रो q 1 हला d अल्फा इंडिविजुअल कर दियो माइनस अल्फा केते होस प्लस 6 d अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर d अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 d अल्फा हला एबे खाले डायरेक्ट तार इंटीग्रेशन करो ठीक अछि तो 1 रो इंटीग्रेशन अल्फा माइनस अल्फा 6 रो अल्फा 7 बाय 7 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर रो अल्फा 3 बाय 3 ये 3 3 कटि जाउछि प्लस 3 अल्फा 4 अछि 5 बाय 5 प्लस सी ठीक अछि एको सिंपलीफाई करिक लेखिबा हला अल्फा जगह हम खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करबा हला तो अल्फा केते थिला पले sin x तो लिखि दियो sin x माइनस साइन एक्स ऊपर 7 बाय 7 माइनस साइन एक्स रो क्यू प्लस 3 बाय 5 साइन एक्स रो 5 प्लस सी एति हला तुम्हारा फाइनल आंसर बुझ पालो पले तो फटाफट नोट डाउन करो
फटाफट नोट डाउन कर पिले। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स को ऐसा कौन देछि बोले क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स को ऐसा क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन देछि साइन 20x इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स एटा देछि है साइन 20x इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स तो ये कौन कर तुम्हें देख ये दुटा भितर छोट किए अच्छी ये छोट कहीं पावर तीन यार पावर 20 तो छोटा को ब्रेक कर छोटा को भांग बड़ा कि कर तो मार्केट चलन टे देखा है तो लिखी दियो साइन 20x कॉस क्यू एक्स को लिख पीले कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस एक्स डीएक्स हला तो साइन 20x रहिला कॉस स्क्वायर एक्स को लिख पीले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कौन कल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अब इटा कॉस एक्स डीएक्स आज इट इज रहिला ठीक अच्छे क्वेश्चन एपटे था इंटीग्रेशन अफ ए मल्टीप्लाई करदे के बोले साइन 20x माइनस साइन 22x इंटू कॉस एक्स डीएक्स ये आसीगला बस साइन एक्स को अल्फा नहीं जाओ काम खत्म है तो साइन एक्स को नहीं गली अल्फा साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी अल्फा ठीक अच्छे चलो माड़ी चलो तो अल्फा रो 20 माइनस अल्फा रो 22 होल या जगह लिखी दियो डी अल्फा वे सिंपल इंटीग्रेशन अल्फा 20 तो कहते हो 21 बाय 21 माइनस अल्फा 22 अच्छी 23 बाय 23 प्लस सी बस वैल्यू पुट कर दियो 1 बाय 21 अल्फा अल्फा कहते साइन एक्स तो साइन एक्स रो 21 माइनस 1 बाय 23 साइन एक्स रो 23 प्लस सी बुझ पाला पिले केते गला क्वेश्चन नंबर 6 हे गला हैला क्वेश्चन नंबर 7 को आसा क्वेश्चन नंबर 7 कोन दे छि बले देखो sec 30x * 10x dx तो एडी कोन करे बले देखो गोटे ट्रिक मु यूज करछि 30x दे छि मु लिख छि sec 29x * sec x * 10x dx ठीक अछि एबे sec x को अल्फा नै जा कोन को छि बले sec x को अल्फा नै जा हैला तो मु कोन कहलि बले sec x को नै गलि अल्फा sec x रिलेटिव sec x * 10x dx इज इक्वल टू डी अल्फा ठीक अच्छे तो अल्फा रो 29 या को नीचे अल्फा 29 ए पूरा जगह लिखी दियो डी अल्फा केते डी अल्फा तो आंसर केते अल्फा 29 रो अल्फा 30 बाय 30 प्लस सी बस अल्फा जगह वैल्यू पुट कर दियो तो आंसर 1 बाय 30 अल्फा केते अच्छे sec x रो 30 प्लस सी बुझ पाला पले सिंपल कथा आराम से सॉरी होला देख पर छ हला तो देखो पले ये रहला तुम्हारा पार्ट 1 वीडियो हला तो ये टाइप जो कंप्लीट वीडियो देखा चाहूँ फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँ द्वारा कि मुझे जहाँ भी सिलेक्शन देती तार सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।